12.7 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने यह जाना है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी भी चुंबकीय सुई पर बल आरोपित करता है। उसी तरह चुंबकीय सुई को भी धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को इस क्रियाकलाप द्वारा जाने। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री एल्यूमिनियम की छोटी छड़, AB संयोजी तार, तांबे का नाल चुंबक, बैटरी, दाब कुंजी, स्टैंड। विधि, एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ को संयोजी तार द्वारा किसी स्टैंड में लटकाइए। चित्र 11, एक प्रबल नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के ध्रुवों के मध्य में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर हो। इसके लिए नाल चुंबक का N ध्रुव छड़ के नीचे तथा S ध्रुव छड़ के ऊपर हो। एल्यूमिनियम की छड़ में अब धारा भेजिए B से A ओर। धारा भेजने पर आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि धारा प्रवाहित होने पर छड़ प्रभावित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा बदलिए और आप क्या देखते हैं उसे नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की दिशा धारा बदलने से बदल जाती है। अब चुंबक के ध्रुव की दिशा को बदल कर भी देखिए कि बल की दिशा बदलती है कि नहीं। हम देखते हैं कि बल की दिशा बदल जाती है। इससे यह पता चलता है कि चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। इस क्रियाकलाप में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखा और देखा कि बल की दिशा भी इन दोनों के लंबवत है। यह नियम फ्लेमिंग ने दिया।